Hey friends, in this video, we'll talk about the transition that takes place in our country after this COVID-19 situation. So there are certain industries that will grow after this situation. On the contrary, there are certain industries that will lose after this situation. So we'll talk about each and in every industry in detail. So before starting my video again, I would like to request you guys, please subscribe my channel and click on below bell button. And also I would like to request you guys, please watch my video till end so that you will not miss any important point. So guys, जो सबसे ज़्यादा sector boom करेगा इस point of time पे, that is e-commerce sector, because at this point of time everybody will prefer only online delivery. सब लोग online delivery ही prefer करेंगे, तो of course Flipkart और Amazon की sales जो है that will improve. सो गाइज, जो नेक्स्ट सेक्टर इम्प्रूव करेगा दैट इज़ प्रोडक्ट बेस्ड टेक्नोलॉजी, बिकॉज इस पॉइंट ऑफ टाइम पर वर्क फ्रॉम होम का सिचुएशन है. तो वर्क फ्रॉम होम सिचुएशन में जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी दैट विल बी विद द हेल्प ऑफ जूम ऐप, स्काइप, टीम्स ऐप एंड वेबएक्स. सो इनका सेल्स इंक्रीज होगा. सो जो नेक्स्ट सेक्टर बूम करेगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दैट इज़ एंटरटेनमेंट सेक्टर. एंटरटेनमेंट में भी अगर हम बात करें तो OTT सेक्टर. OTT सेक्टर मीन्स नेटफ्लिक्स और Amazon, बिकॉज मूवीज सिनेमा हॉल्स में रिलीज नहीं होंगी. जो भी आज की डेट में मूवीज होंगी वो थ्रू नेटफ्लिक्स और Amazon पे ही मूवीज रिलीज होंगी. और जो सेक्टर ग्रो करेगा दैट इज़ नॉन साइक्लिकल बिजनेस, जो कि असेंशियल गुड्स में डील करता है. जैसे कि हमें कोलगेट की, टूथपेस्ट की या फिर सोप की, ये सारी असेंशियल गुड्स हैं जिनकी ज़रूरत हमें हमेशा रहेगी. तो ये इनका डिमांड भी हमेशा रहेगा और ये सेक्टर हमेशा इम्प्रूव करेगा. इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा. बिफोर लॉकडाउन और आफ्टर लॉकडाउन ये इसका सेल सेम रहेगा, तो कुछ भी चेंजेस इसमें आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे. फार्मास्यूटिकल सेक्टर है दैट विल ऑल्सो ग्रो. उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आएगा फार्मा सेक्टर में, बिकॉज मेडिसिन की ज़रूरत तो हमेशा रहेगी. सो फार्मा सेक्टर विल ऑल्सो विल बी सेम. सो इस पे नेक्स्ट जो सेक्टर ग्रो करेगा इस लॉजिस्टिक्स एंड डिलीवरी. लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी इसलिए ग्रो करेगा बिकॉज डिलीवरी जो होगी दैट इज़ बिकॉज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होंगी. तो अगर ऑनलाइन ऑर्डर्स के लिए जो भी कंपनीज डिलीवरी और लॉजिस्टिक्स में होंगी वो कंपनीज भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ग्रो करेंगी. सो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देयर आर सर्टेन इंडस्ट्रीज जिन पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा और उन्हें लूजर इंडस्ट्रीज भी कह सकते हैं. तो ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिन्हें हम लूजर इंडस्ट्रीज में काउंट करेंगे? सो फर्स्ट इंडस्ट्री इज टूरिज्म इंडस्ट्री. सो बिकॉज अगर कोई ट्रैवल नहीं करेगा तो ऑब्वियसली टूरिज्म इंडस्ट्री का बिजनेस डाउन होगा. नेक्स्ट इंडस्ट्री जो इसमें आएगी दैट इज़ एयरलाइंस. एयरलाइंस का ऑफकोर्स बिजनेस डाउन होगा बिकॉज इस टाइम पर कोई भी ट्रैवल करना प्रेफर नहीं करेगा. और जो नेक्स्ट सेक्टर जिस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है दैट इज़ रियल एस्टेट. रियल एस्टेट पे नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे आएगा? बिकॉज कोई भी बहुत ज़्यादा बड़ी वाली इन्वेस्टमेंट इस पॉइंट ऑफ टाइम पर नहीं, बिकॉज वर्क फ्रॉम होम वाला सिचुएशन है. तो कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स का डिमांड डिक्रीज हो जाएगा, और अगर कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स का डिमांड डिक्रीज होगा तो इन दैट केस रियल एस्टेट डीग्रो कर जाएगा. रियल एस्टेट और जो सेक्टर्स डीग्रो करेंगे दैट इज़ ऑयल एंड गैस, कंस्ट्रक्शन, फूड, सलून एंड हॉस्पिटैलिटी, एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज एंड रिटेल. रिटेल सेक्टर भी बहुत ज़्यादा डीग्रो करेगा जिसने इस ट्रांजिशन को अडॉप्ट नहीं किया होगा. जो कि ऑफलाइन से ऑनलाइन का जो ट्रांजिशन है, जो भी इंडस्ट्रीज इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इस ट्रांजिशन को अडॉप्ट कर लेंगी ओनली वही इंडस्ट्रीज सर्वाइव कर. सो गाइज, दीज वर द सेक्टर्स जिन पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाला है इस सिचुएशन का. इंडस्ट्रीज हैव टू डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, कैसे इंडस्ट्रीज अपने आप को सेव कर सकती हैं इस सिचुएशन से, वो उन इफ इन केस वो ऑफलाइन से ऑनलाइन के ट्रांजिशन को अडाप्ट कर लें. सो जो भी इंडस्ट्रीज इस टाइम पर ऑफलाइन से ऑनलाइन के ट्रांजिशन को अडाप्ट कर लेंगी वही इंडस्ट्रीज सर्वाइव कर पाएंगी. सो गाइज, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो गिव मी सजेशन. इफ़ सम सजेशन यू कैन गिव इन कमेंट सेक्शन
कि और कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिस पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा इस लॉकडाउन का। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।